कांग्रेस पार्टी नारी सम्मान योजना के फॉर्म जगह जगह महिलाओं से भरवा रही है। इसी के तहत विधायक आरिफ मसूद ने कार्यक्रम में नारी सम्मान योजना के फॉर्म वितरित कर एक दिन में 20,000 फॉर्म भरवाए। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी एवं मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा मौजूद थे। नारी सम्मान योजना का कार्यक्रम नीलम पार्क में हुआ। विधायक आरिफ मसूद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार बनने पर हर महिला को 1500 रुपए महीना नारी सम्मान योजना के तहत दिए जाएंगे। साथ ही प्रदेश की जनता को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम में सुभाष चोपड़ा ने कहा कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में जन कल्याणकारी काम हुए हैं, आगे भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सभी वादे पूरे किए जाएंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौर ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने पर सभी वर्गों की योजनाओं को समान लाभ मिलेगा। ईमानदारी से अपनी विधानसभा में वो काम करा और सुभाष भाई आपके बीच में कहता हूँ और अपने काम की बुनियाद पर कहता हूँ, ये जो माँ बहन मेरी बेटी है और तमाम मध्य विधानसभा के मतदाताओं की बुनियाद पर कहता हूँ, मुझे भाई माफ करना उस आसमान वाले को नाजी करते हुए कि शिवराज सिंह चौहान मेरे सामने आ जाएगा ना हरा दू तो आज मजबूर करते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।